सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम के संयुक्त प्रयास से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम रामनगर स्थित शकुंतला विद्यालय में कराया गया। अंचल के संचालित कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपनी शिक्षण शैली को लेकर जाना पहचाना जाता है। अब माय एफएम के साथ सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज नॉलेज पार्टनर की भूमिका में विद्यार्थियों के लिए ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराया है। ओएमआर शीट के माध्यम से 9th क्लास व 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम की टीम शकुंतला विद्यालय पहुंची। शाला के डायरेक्टर संजय ओझा ने इसे एक अच्छी पहल बताया और साथ ही वे विद्यार्थी जिन्होंने ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम दिया था उन्होंने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। क्रीप करते रहते हैं या फिर सिचुएशंस को बदलने के लिए कुछ करते हैं। वैसे इस समय मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि फॉर श्योर बुरे सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं इस पर फोकस करते हैं। मेरे साथ हैं शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर यानी कि संजय ओझा सर। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वक्त देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा मैडम। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी वाली वाइब जो है वो आपके साथ बैठ करके और आपके ऑफिस में बात करने से मुझे आ रही है और ऐसा बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेकर के 94.3 माय एफएम की टीम यहाँ पहुँच। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम आप। ये मैं तो पहले बधाई दे चुका हूँ ऑलरेडी कि माय एफएम और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का जो ज्वाइंट एडवेंचर के द्वारा ये बनाया जा रहा है बच्चों का ब्रेन ऑफ सिटी, भिलाई के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्हें उनका स्तर जांचने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला है। मैं सब बच्चों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए क्योंकि आने वाला समय जस्ट इस बार चूँकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका फरवरी में ही जो CBSE की गाइडलाइन आ रही है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अंदर फरवरी में ही आपके एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसलिए आप अभी से भिड़ जाइए सब चीज़ों में और जिस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने दिया है अपने क्वेश्चन पेपर में उसे बहुत गंभीरता से पढ़िए, समझिए कि ये क्वेश्चन पेपर जिसमें जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि शुरू में आपको सरल क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है, फिर आपको कठिन क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है, जिस तरीके का डायरेक्शन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और 2 साल का जो कोविड का दौर था उससे आप बाहर अभी निकल के आए हैं। 2 साल के कोविड के दौर में आपने रिटर्न वर्क बहुत कम किया है तो आपकी लिखने की क्षमता बढ़नी चाहिए। आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिखने की क्षमता को बढ़ाना आपका सबसे बड़ा ध्येय होगा क्योंकि टाइम लिमिट फिक्स रहेगा आपका। इन्होंने 90 मिनट का टाइम लिमिट फिक्स किया है। CBSE भी इन्हीं तरीके से कुछ क्वेश्चन पेपर लाएगी, उसमें भी आपको टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। तो आप सबसे ज़्यादा मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपने लिखने की व्यवस्था को आप बढ़ाइए, लिखने का लेवल राइटिंग लेवल आपका बढ़ेगा तभी आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। कि 2 साल के कार्यकाल में कोविड के कार्यकाल में आपने लिखने की क्षमता में पूरे वर्ल्ड में बच्चों में कमी आई है और ये बात सबको जान रहे हैं, माँ बाप भी जान रहे हैं इस बातों को। मैं सारे पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूँ कि इस मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाइए। जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स माय एफएम के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं आपको उस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और सितंबर का महीना सभी CBSE स्कूलों के लिए, स्टेट बोर्ड के स्कूलों के लिए हाफ ईयरली का महीना होता है, इससे भी आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आप किस लेवल में चल रहे हैं। The shift from earlier, the shift from offline to online was very hard for us, but now the shift from online to offline is even more harder than that. I'm sure. It's quite hard because earlier we were lazy in houses. So this paradigm shift from totally off online to offline has made us work even more hard. But on the contrary, our body got used to very comfortable environment, like a very quiet and peaceful environment in our rooms, closed rooms. But when we come to this offline, there's chitter and chatter outside, everything happening around. So it's a little difficult to focus because we have lost that flow. But yeah, if we keep working hard, everything. Mission तो नहीं आगे part पीछे सब part वाली, ये समझना और कहाँ पर आपको ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है आप ये समझ जाएँ और future में अपना best दे पाएँ। So yes, all my best wishes again. और अगर आप सोच रहे हैं कि यार हमारे स्कूल के बच्चे भी हाँ मतलब डिजर्व करते हैं ब्रेन ऑफ सिटी का हिस्सा होना तो जल्दी से उनका रजिस्ट्रेशन हम तक पहुंचाइए और सारी डिटेल्स के लिए माय आरजे नेहा पर आइए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं इसी नाम से हूँ और माय एफएम पर है आपके फेवरेट गाने आपको सुनाने के लिए आपके आरजे नेहा आपके साथ है। स्टे ट्यून्ड। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम ने जो प्रयास किया है वो निश्चित ही विद्यार्थियों की यथास्थिति को हमें बताएगा। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।